मेरी हाइट 3 फुट है। अच्छा लगा यहाँ पे सबको देख के। माशाल्लाह सब मुबारकबाद देने आ रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत यार दोस्त वगैरह सभी लोग आ रहे हैं और आज हमारा खाने का प्रोग्राम है। माशाल्लाह ये खाना जो है हम यार दोस्तों में और जो हमारा परिवार के लोग होते हैं वो जो हमारे मेहमान आए हुए होते हैं वो लोग इसे शिरकत करते हैं। चूरी हैं वो शामली के रहने वाले हैं, उनके भी काफ़ी वीडियो हुई थी कि उन्होंने कहा था कि मेरी शादी नहीं हो रही और मेरा ये नहीं हो रहा और मुझे मतलब बहुत तरह की उन्होंने बातें की थी। तो उसमें मैं यह कहना चाहूँगा, देखो ना उम्मीद कभी मत। मैं भी एक ऐसा था कि मुझे कम से कम आज 15 साल से 20 साल में आज मुझे ये मुकाम पे आया, मैं हासिल हुआ, मैंने करा। असल में वजह क्या होती, हम लोग जो होते हैं छोटे करते होते, हम छोटे करते होते जो आजकल की जो लोग चल रहे हैं जो आजकल के, उन लोगों को भी मैं ही पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये लड़का छोटा है क्या करेगा, हमारी बेटी को कैसे खिलाएगा, क्या कमाएगा। तो ये लोगों की गलत सोच है। और कुछ लोगों का ये मिजाज है कि मैंने ये भी देखा है कि भाई अगर हमारा कोई लड़का कुछ नहीं करता हो, वो एक कारोबार है, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, तो उससे शादी कर देते हैं। तो आज के जो लोग हैं ना, मैंने ज़्यादातर अपनी कोशिश से देखा है जो पैसों वाले होते हैं उन्हें ही करते हैं, मगर उन लोगों की सोच गलत। और हम भी एक बात तो ये पैगाम देते हैं कि कुछ लोगों का ये होता है लड़कों का कि यहाँ तो कुछ मिले तो हम शादी करें, ये भी गलत है। देखो नसीब जो होता है ना, जो रिश्ते बनते हैं सब ऊपर साथ। इनके परिवार वाले मुझे नहीं जानते थे कभी, नहीं मैं जानता था आज तक। बस आज जो हम रात यहाँ पर बारात लेकर आए तो पहली मुलाकात इनसे और मेरी हुई, और पहली मुलाकात में अल्लाह का शुक्र है रब्बुल आलमीन का, हमें इतनी मोहब्बत हो गई कि हम बता नहीं सकता। मगर लोगों को जो ये मिजाज है कि भाई नहीं ये लड़की का छोटी है, ये गट्टा है, बहुत लोगों ने हमसे कहा यार वो लड़की ऐसी है, उस लड़की का रंग काला है और वो है। यार हमको इसे वो है, हमें अपने आप को भी तो देखना चाहिए हम क्या है। हमारी हाइट 3.5 फीट हो, उनकी हाइट 3 फीट हो, बस ये है अल्लाह का शुक्र है रब्बुल आलमीन का खंडी। मगर असीम मंसूरी जो है इनको घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, ये वागन है और इंशाल्लाह इनकी शादी हो जाएगी। मगर ये जो चर्चा कर रहा है कि जाकर लोगों से कह रहा है, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक आदमी तुम्हारे पास अपनी एक कुछ लेकर आ रहा है, कोई आपको कुछ समझ के बोलना चाह रहा है, तो आप लोग करा देनी चाहिए उनकी शादी। और उनके लिए मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी शादी करा दे।